अपने पास जो चैप्टर है स्टैट्स, उसमें हमने जब 10th क्लास में शुरू किया था, तो हमारे पास 10th में लगा लो, 8th में लगा लो, 9th में लगा लो, जब जब से हमने स्टैट्स पढ़ना शुरू किया, सबसे कॉमन टर्म्स हमारे पास आते हैं मीन, मोड, मीडियन। शुरू करते हैं मीन से। मीन बेसिकली क्या होता है? एवरेज वैल्यू, है ना। अब एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, हम सारों की एजेस निकाल लेते हैं। हर किसी से मैंने बच्चे से पूछा भाई कितनी एज किसकी है, कितनी किसकी है। अब सारों के एजेस का सम किया और उसको फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 20 से डिवाइड कर दिया, है ना। सम ऑफ ऑल द एजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या निकलेगी? एवरेज वैल्यू निकल जाएगी, मीन वैल्यू निकल आएगी। अब इसको निकालने का तरीका क्या? मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा रहा हूं एक बार चैप्टर अपना, जहां से अपनी ये एवरेज या मीन वैल्यू के बारे में बात होती थी। एक सिंपल एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं, 10 बच्चों का एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेंगे, इसलिए कम से कम रख के मैं समझा रहा हूं। मान लेते हैं मैंने किसी बच्चों से तुम सबसे मार्क्स पूछ लिए, ठीक है, आउट ऑफ 20 20 नंबर में से मार्क्स पूछे। मैंने एक बच्चे से पूछे भाई कितने मार्क्स आए हैं, वो कहता 15 आ गए। दूसरे बच्चे से पूछे उसके आ गए 12 आ गए। तीसरे बच्चे से पूछे 13 आए हैं। फिर अगले से पूछे फिर 15 नंबर आ गए। नेक्स्ट वाले से पूछे 10 आए हैं। नेक्स्ट वाले से पूछे 1 के 5 भी आए हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर किसी के आ गए मान लो फिर 15 आ गए। फिर किसी के आ गए 18 आ गए, 1 के 20 आए, 1 के 12 आए। टोटल गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल हो गया। अब मैंने कहा क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 10 बच्चे हैं तो मैं क्या करूंगा एवरेज निकालने के लिए? 15 + 15 + 12 + 12 + 13 + 5 + 18 + 20, ये कर दूं सबका किया मैंने सम। अच्छा प्लस 10 भी रह गया, कहां है बीच में, ये रहा प्लस 10, ठीक है। इनको ऐसे ग्रुप करने की जरूरत नहीं थी, प्लस तो तुम सीधा सीधा भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैंने सिर्फ ग्रुप इसलिए किया है ताकि मैं गिनती गिन सकूं कि यहां 15 वाले 3 है, 12 वाले 2 है, 13 वाला 1 है, 5 वाला 1 है, 18 वाले 1 है, 20 वाला 1 है और 10 वाला 1 है। इनका सम कर दोगे, तुम्हें करना आता है। तो ये जो निकला ये क्या निकल गई है बच्चा? मीन वैल्यू। सीधा सिंपल मेथड है ना। अब अगर मैं इनका नाम रख लेता हूं x1 x2 up to so on x10, है ना, तो मैं इनको कैसे लिखूंगा? मैंने x1 को x2 को x3 को अप टू सो ऑन 10 टर्म्स को प्लस करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड किया कि नहीं? यही है। अगर मैं इस समीशन को सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? सिग्मा ऑफ i गोज टू 1 टू 10 xi डिवाइडेड बाय 10। किसी को दिक्कत? यही बात हुई। सिग्मा का मतलब सबको पता है क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है समीशन, हर नंबर के बीच में ऐड करते जाओ जबकि हमारा नंबर आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक जाएगी। अब यहां पर अगर 10 ना होके n नंबर्स होते तो मैं यहां n लिख देता और यहां पर n आ जाता, यहां 1 से और इधर n। किसी को दिक्कत है ना? यहां अप टू सो ऑन xn आ जाता। बेटा अगर देखो 10 टर्म्स थी तो i गोज टू 1 टू n था, अगर n टर्म्स होती तो i गोज टू 1 टू n हो जाता, यहां xn लिख देते और यहां xn ही, सॉरी यहां तो xi ही रहेगा, यहां xi रहेगा और यहां पे n आ जाएगा। xi का मतलब i की वैल्यू जो वेरिएबल है, 1 2 3 4 और जितनी भी टर्म्स आएंगे बीच में सम लगता रहेगा, उसे सिग्मा रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर है, है ना। अब मैंने कहा इसमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। क्या मेहनत है? मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं कि 15 15 15 को ऐड कर रहा हूं? 15 × 3 डायरेक्टली ना लिख दूं, है ना, 12 और 12 दो बारी ऐड कर रहा हूं तो 12 × 2 ना लिख लो। जब हम इस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या लिख लिया? ये भाई 15 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 3 बच्चों के। 12 नंबर कितनों के आए हैं? 2 के। 13 सिर्फ एक बच्चे के। 5 नंबर एक बच्चे के। 18 एक बच्चे का। 20 एक का और 10 एक के। ये क्या होता है? xi। ये होती है फ्रीक्वेंसी। यही बनता है। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्लास मार्क आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी यही बताती है ना कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। तो अगर मेरे को टोटल निकालना है तो सिग्मा ऑफ एक्सआई एफ आई कर लूंगा। एक्सआई एफ आई क्यों? 15 × 3 जो के सेम वैल्यू निकालेगा, 12 × 2 जो के सेम वैल्यू निकालेगा, 13 × 1 5 × 1 है ना, और 18 × 1 20 × 1 और 10 × 1 निकलेगा कि नहीं?
और अल्टीमेटली मैं इनका सम करूंगा तो बिल्कुल सेम सम आएगा जैसे ऊपर आया था, आएगा कि नहीं? और मैं अगर इनका सम कर देता हूं तो ये क्या निकलेगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे गिन के देखो, 10 ही निकलेंगे ये, है ना? ये बात समझ में आई है? तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता था कि नीचे हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई वेयर आई अप्रोचेस टू 1 to 10 है इस केस में, डिवाइडेड बाय मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई वेयर आई अप्रोचेस टू 1 to n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, हुआ कि नहीं, है ना? जो इनका मल्टीप्लीकेशन था उनका सम किया, डिवाइडेड बाय हमने फ्रीक्वेंसी के सम को कर दिया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता था, क्लियर है? ये क्या किसका फॉर्मूला था, मीन का, जैसे हम सिंपल भाषा में एवरेज कह रहे हैं, क्लियर है? तो इसके बाद अब यहां पर एक मोड वैल्यू आती थी जो हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में हमने मोड का अलग फॉर्मूला समझ लिया था, वैल्यू सेम ही बताती है, लेकिन मोड बेसिकली सिंपल बहुत बेसिक टर्म्स में मोड क्या होता है, मोड का जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम है, उसे हम क्या कहते हैं, मोड। यहां पे 15 नंबर सबसे ज्यादा बच्चों के हैं, तो इसका मतलब मोड की वैल्यू क्या आ गई, 15, है ना? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई वो वैल्यू मोड होती है। अगर मैं मीडियन की बात करता हूं, मीडियन क्या होता है, बीच की वैल्यू। अब मीडियन निकालते हुए एक चीज पे ध्यान रखना होता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। पहले हम घटते से बढ़ते क्रम या बढ़ते से घटते क्रम, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर मार्क्स की टर्म्स में करेंगे, है ना? फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में नहीं, मार्क्स की टर्म में, कि 10 नंबर 5 नंबर, जैसे यहां पे शुरू करूंगा 5, फिर 10, है ना, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 18, फिर 20, उनको मैं लिखूंगा, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहां कितनी है, 10। तो अगर हमारे पास 10 टर्म्स हैं तो मेरे को इसके अंदर अगर मीडियन निकालना है, तो बीच की वैल्यू को मीडियन कहते हैं। तो बीच की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 इधर से छोड़ा, 4 इधर से, तो ये तो पांचवी और छठी टर्म बनी कि नहीं, दोनों टर्म्स को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों की एवरेज वैल्यू जो निकलेगी वो मीन निकल जाएगी। अगर बाय चांस ऑड टर्म्स होती, 9 होती, 11 होती, तो क्या करते, 4, जैसे यहां से अब क्या है, 9 है, 4 इधर से छोड़े, 4 इधर से छोड़े, तो पांचवी टर्म आई कि नहीं, तो सीधा सीधा मीडियन निकल आता है। मीडियन का हम फॉर्मूला क्या बनाते थे कि n, अगर हमारे पास मीडियन के लिए n अगर हमारे पास इवन है तो मीडियन क्या निकलता है, n by 2 and n plus 1 by 2th, n by 2 plus 1th term। इन दोनों टर्म्स को हम निकालते हैं, प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये कब होगा, जब n की वैल्यू इवन होगी, जैसे 10 by 2 5th term, 5th plus 1 6th term, है ना? फिफ्थ और सिक्स का सम किया, 2 से डिवाइड किया, ये मेरे मीडियन की वैल्यू निकल आती थी। और अगर हमारे पास n ऑड होता था, अगर n हमारे पास ऑड होता था तो सीधा कैसे निकालते थे, n plus 1 by 2th term। जैसे अगर 9 था तो 9 plus 1 10, 10 by 2th, 5th term हमारे पास मीडियन की वैल्यू हमें दे देती थी। सिंपल है, ये हमने 10th क्लास में करा था, कुछ नया नहीं है अभी तक, इवन 9th क्लास के अंदर हमने ये कर लिया था। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती थी कि भाई अगर जो मेरे को मीन निकालना है तो मीन निकालने के मल्टीपल मेथड्स थे। मल्टीपल मेथड्स क्या होते थे हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड था, एक अज्यूम मीन मेथड था, एक अपना वो था स्टेप डेविएशन मेथड था। अब इसका फायदा क्या होता था भाई, जितनी तुम कैलकुलेशंस आसान कर सको, अलग अलग मेथड लगाते जाते थे। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बेस्ट क्या है, अपना स्टेप डेविएशन वाला मेथड कर देते हैं। जैसे यहां पर ये मेरे पास क्या है, ये तो सिंपल क्लास मार्क दे रखा है। अगर क्लास इंटरवल होता, इंटरवल कब कहते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, पूरा इंटरवल होता है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं, ये सबको पता है, और उसके साथ फिर नॉर्मल क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन आसान करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर लेंगे। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो उन मेथड्स को भी मैं डिस्कस करा दूंगा, क्लियर है? अभी आगे चलते हैं, मीडियन वाला पॉइंट समझ में आ गया ये। अब मीन पता चल गया है, मीडियन पता चल गया है, मीडियन का जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था तुम्हारे को कि क्या क्या है अपने पास, अगर n की वैल्यू ऑड होगी नंबर ऑफ टर्म्स में तो n प्लस 1th, n प्लस 1 बाय 2th टर्म जो होगी वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू होगी। अगर n इवन होगा तो n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू दे देगा। अब हमारा चैप्टर प्लस 1 लेवल पे जब स्टार्ट होता है तो यहां एक टर्म आती है डिविएशन। यहां स्टॉप, अब हम प्लस 1 के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो सीधा हमारे पास क्या आती है टर्म, डिविएशन।
डेविएशन का मतलब समझ में आता है, कोई वैल्यू कितनी डिविएट करती है, डिविएट का मतलब कितनी अलग है जो हमारी एक सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे। मान लेते हैं कि मैं बताता हूं कि मान लेट अस अज्यूम हमने कहा भाई 50 नंबर का पेपर है, एवरेज 30 है। अब कोई पेरेंट आते हैं वो पूछते हैं भाई मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है एज कंपेयर टू अदर क्लास, तो मैं एक एक बच्चे से कंपेयर करके नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा जो एवरेज वैल्यू है 30 उसके हिसाब से आपका बच्चा 2 नंबर कम है या उसके हिसाब से आपका बच्चा 5 नंबर आगे है। हमने क्या किया, मैंने उसकी डेविएशन बताई कहां से, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, एक मीन वैल्यू से, एक एवरेज वैल्यू से। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं वो जो डेविएशन है वो अलोंग मीन बता रहा हूं या अलोंग मीडियन बता रहा हूं, समझ रहे हो। तो मीन डेविएशन अलोंग मीन या डेविएशन अलोंग मीडियन वो अकॉर्डिंगली हम निकाल देते हैं। लेकिन डेविएशन का सिंपल सरल मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं बच्चे के नंबर आए 28, हमने मीन डेविएशन अलोंग मीन निकाला और मीन की वैल्यू 30 थी, तो डेविएशन कितनी आ गई, 28 में से 30 माइनस हुआ, माइनस 2 की डेविएशन है ना। मॉड लगा लेंगे तो चलो वो अलग बात है कि मॉड लगाएंगे तो उस माइनस 2 को प्लस 2 की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन डेविएशन समझ रहे हो, किसी बच्चे के मान लो 10 नंबर आए हैं तो उसकी डेविएशन कितनी है, 30 में से 10 माइनस हुआ 20 की डेविएशन है कि नहीं। किसी बच्चे के 35 आए हैं, 30 में से 35 माइनस 30 हो गए 5 की डेविएशन है कि नहीं। तो डेविएशन बेसिकली वेरिएशन ऑफ दैट वैल्यू फ्रॉम द एवरेज और मीन वैल्यू, समझ में आ रही है, डेविएशन का मतलब ये हुआ डेविएट कितना कर रही है। यहां पे हमने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, मान लो 17 16 16 ये कुछ वैल्यूज गिवन है, ये मैंने बच्चों की एजेस लिख ली है, मान लो कि अपने पास जो क्लास में बच्चे बैठे हैं एक 17 साल का है, फिर 16 16 16 साल के काफी बच्चे हैं, फिर 17 17 16 और 14, ऐसे करके एक खुद हमने डेटा बना लिया रफ। तो यहां पर X1, X2, X3 up to so on, X11 हो गया, 11 बच्चे थे। अब यहां पर एक मेथड आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, ये हमने 10th क्लास में किया था है ना, हमने स्टेप डेविएशन से पहले अज्यूम मीन किया था। अज्यूम मीन में हम क्या करते हैं, खुद अपने आप बीच के किसी वैल्यू को मीन अज्यूम करते थे है ना। अब मैं उसी अज्यूम मीन के अक्रॉस डेविएशन निकाल रहा हूं, तो क्या करूंगा, मान लेते हैं मैंने इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने कहा 11 के अंदर से क्या करते हैं, छठी टर्म को मान लेता हूं 11 + 1/2 12/2 सिक्स टर्म, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी टर्म आ गई है। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले अरेंज कर लेना चाहिए, बट नहीं भी होगा तो हमें दिख रहा है 16 मैक्सिमम, तो अज्यूम मीन 16 मान लिया। अब 16 अगर मेरे पास अज्यूम मीन की वैल्यू आ गई है तो मैं क्या कर रहा हूं, हर वैल्यू में से 16 को माइनस करो, 17 - 16 16 - 16 16 - 16 कर दिया सबको, तो ये क्या निकल रही है, डेविएशन। जैसे वो 30 और 28 और 35 का एग्जांपल जो मैं दे रहा था, रिलेट कर पा रहे हो, हर वैल्यू को उस अज्यूम्ड वैल्यू से हमने माइनस कर दिया, कर दिया, और आगे क्या लगाया है, मॉड, आगे क्या लगाया, मॉड। मैं मीन डेविएशन में इंटरेस्टेड हूं, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि वो डेविएशन बैकवर्ड हुई है या फॉरवर्ड हुई है, मैं ये नहीं जानना चाहता 2 नंबर ज्यादा आए या कम आए, लेकिन मीन वैल्यू से इधर उधर वैल्यू कितनी होंगे। तो इसीलिए जो भी वेरिएशन आएगी वो तो हमारे हिसाब से क्या है, चेंज है, तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे मॉड लगा के, ठीक है। तो जैसे मैं 28 माइनस 30 करके माइनस 2 था, उसको मॉड लगा देंगे तो वो प्लस 2 आएगा, 32 माइनस 30 भी 2 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, उस अज्यूम्ड वैल्यू को मीन की हर वैल्यू में से उसको माइनस किया और हमने क्या लिया, मॉड अप्लाई कर दिया, कर दिया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना, एक तरह से जो डेविएशन आ रही थी उसका मीन बन गया कि नहीं। सीधी सीधी बात है, हर वैल्यू जितना डेविएट कर रही थी उसको नंबर ऑफ टर्म से सीधा डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया तो हमारे पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। समझ में आई है, हमने क्या किया, हर वैल्यू में से ए को माइनस कर दिया, हर वैल्यू में से ए को माइनस कर दिया, उनका कर दिया सम आई गोज टू 1 to n और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास मीन वैल्यू की, मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। ए इज अज्यूम्ड मीन, दिस इज मीन, ये अपने को पता है जब एक्स पे बार लिखते हैं, एम क्या आता है, मीडियन। अब ये मीडियन क्यों है, जैसे मैंने अभी बताया था ये तो अज्यूम मीन है, अज्यूम मीन मैंने खुद अपने आप एक वैल्यू को अज्यूम कर लिया था, ये बात समझ में आई है। अगर मेरे को अब अज्यूम नहीं करना है, मेरे को क्या निकालना है, मीन डेविएशन अक्रॉस मीन,
मीन डेविएशन अक्रॉस द वैल्यू ऑफ मीन, तो मैंने यहां मीन निकाल लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, मीन निकाला, उसको एक्स आई में से माइनस किया, सिग्मा ऑफ आई गोज टू वन टू एन वन बाई एन, ये मीन डेविएशन निकला कि नहीं, समझ में आया। फिर से सुनो बेटा, मैंने अभी क्या बोला था कि हमने ए जो है एक वैल्यू अज्यूम करी थी, अब मैं अज्यूम करने की जगह मान लेता हूं, मान नहीं निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं मीन वैल्यू को, ठीक है। अज्यूम मीन तो रेंडम वैल्यू अज्यूम करी थी ना हमने, अब मैं मीन निकाल लेता हूं, तो मैं मीन डेविएशन अक्रॉस मीन निकाल रहा हूं, मीन डेविएशन अक्रॉस वैल्यू ऑफ मीन, तो हर वैल्यू में से मीन की वैल्यू माइनस कर देंगे, जैसे अज्यूम मीन में ए माइनस किया था, वहां हम मीन के वैल्यू को माइनस कर देंगे, सबका करेंगे सम, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, तो मीन डेविएशन अक्रॉस मीन निकल जाएगा कि नहीं, सीधी बात है। ऐसे ही मीन डेविएशन अक्रॉस मीडियन निकालना है तो क्या करूं, हर वैल्यू में से मीडियन की वैल्यू को माइनस करते चलते हैं, सम करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, तो मीन डेविएशन अक्रॉस मीडियन निकल जाएगा अपने पास। मीन डेविएशन इज इक्वल टू वन बाय एन, सिग्मा ऑफ आई गोज टू वन टू एन एक्स आई माइनस मीडियन। फॉर्मूला समझ में आया, स्टेप्स कुछ अलग नहीं है, सीधी कहानी है, मीन डेविएशन अक्रॉस अज्यूम मीन होगा तो मुझे कैलकुलेट करना ही नहीं है, सीधा एक रैंडम वैल्यू को अज्यूम करेंगे जो बीच में कोई वैल्यू होगी और उसके अक्रॉस हम मीन डेविएशन निकाल देंगे। अगर मीन डेविएशन अक्रॉस मीन निकालना होगा तो पहले मैं मीन कैलकुलेट कर लूंगा, हर वैल्यू में से मीन के वैल्यू को माइनस करके मॉड लगा के सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करूंगा, तो मीन डेविएशन अक्रॉस मीन निकल जाएगा। मीन डेविएशन अक्रॉस मीडियन होगा तो पहले मेरे को मीडियन निकालना पड़ेगा और हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करूंगा, जो वैल्यू आएगी उसका निकालेंगे मॉड, सबका करेंगे सम, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से, मीन डेविएशन अक्रॉस मीडियन मिल जाएगा। सिंपल बात है, फॉर्मूलाज लिख लेंगे सारे, लिखते चलो, ठीक है ना। अब मीन का फॉर्मूला हमारे लिए कुछ नया नहीं है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, डायरेक्ट मेथड था ये, मीन डेविएशन वन बाय एन सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई, है ना, यही था हमारे पास, एन क्या निकलता है सिग्मा ऑफ एफ आई। अब मीन डेविएशन क्या निकलेगा, देखो बच्चा, मीन डेविएशन हमारे पास निकलेगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय एफ आई, मीन डेविएशन अक्रॉस मीन, ये क्या निकला है, मीन डेविएशन अक्रॉस मीन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब मीन डेविएशन अक्रॉस जब मैं मीन निकाल रहा हूं तो हमारे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन अक्रॉस मीन सिग्मा ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय एफ आई। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, किसी को इस स्टेप में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर जो यहां पर मान लेते हैं कुछ इसी टाइप का कुछ है ना, मान लो मेरे पास मीन वैल्यू 13 थी, लेट अस अज्यूम 13 थी, तो मैं क्या करूंगा, हर वैल्यू को पहले क्या करूंगा, 13 माइनस 3 माइनस 13 कितना आएगा, माइनस 10, मॉड लेंगे तो प्लस 10 आ जाएगा, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां देखो, मान लेते हैं अगर मेरे पास ए की वैल्यू 13 है, अज्यूम मीन मान रहे हैं क्योंकि अदरवाइज मेरे को मीन निकालना पड़ेगा, पहले वो निकल जाएगा तो तुम कर लेना। तो अगर मेरे पास अज्यूम मीन मैंने 13 मान लिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू आएगी 15 माइनस 13 कितना आएगा, है ना, हम क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे एक्स आई माइनस मीन, और उसका निकाल रहा हूं मैं मॉड। अब मीन की जगह मैंने ए लिखा है क्योंकि मैंने अज्यूम वाला मेथड लगाया। अब अगर ये निकल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा कि नहीं, हर किसी की फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर सम करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, ये निकलेगा कि नहीं, वेयर आई गोज टू वन टू एन निकल जाएगा, इसको सिग्मा ऑफ एफ आई से डिवाइड कर दो, मीन डेविएशन का मीन निकल गया, ये तो हुआ कि नहीं, जो भी हमारे पास वो डेविएशन की वैल्यू थी उन सबको प्लस करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास मीन डेविएशन अक्रॉस मीन आ जाएगा कि नहीं, सिंपल बात है बच्चे, वन बाय एन सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन, ठीक है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं एक बारी, सीधा सा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें एक एक करके देखते जाना। ये देखो कैलकुलेशंस बहुत बेसिक सी चीजें आसान है, हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो मुझे बता देना, कोई क्वेश्चन कैलकुलेशंस के साथ भी कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे अदरवाइज बहुत सीधी सी चीजें अपने पास है क्या बच्चा, इसमें जो अपने पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक बार उस पर ध्यान देना। यहां पर हमें गिवन है एक्स आई की वैल्यू, एक्स आई की वैल्यू क्या है, 2, 5, 6, 8, 10, 12, सीधा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए गिवन है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या आ गया 40, इसमें किसी को दिक्कत नहीं।
एफ आई एक्स आई निकालना आता है, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, 2 2s 4 5 8 40 6 8 60 6 10 60 ये सब कर लोगे, इसमें कुछ नया नहीं है। इनका किया सम 300, 300 को 40 से डिवाइड कर दो, हमारे पास मीन की वैल्यू आएगी। किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं है मीन नहीं निकालना आता है, सबको पता ही है, एक्स आई एफ आई का सम किया डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई किया, तो दोनों का जो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो मीन की वैल्यू आ जाएगी। 300 डिवाइडेड बाय 40 से हमारे पास जो मीन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 7.5। देन हमारे पास जब हमने 300 को 40 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन की वैल्यू 7.5 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप, मेरे को डिविएशन का मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिविएशन का मीन निकालने के लिए हर वैल्यू में से मीन की वैल्यू माइनस करो। हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2, 2 में से 7.5 माइनस किया तो कितना आया, -5.5। सिंस मॉड के अंदर लेना है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये +5.5 वैल्यू हमारे पास आ गई है। ऐसे ही 5 में से 5.5 माइनस किया 2.5, 6 में से माइनस किया 1.5, फिर 0.5, 2.5, 4.5 आया कि नहीं। अब इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो आया 92, इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ टर्म्स 40 से, तो 92 सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन का मॉड डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, दैट इज 92 बाय 40, 2.3 इज द मीन डेविएशन अक्रॉस मीन। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द गिवन डाटा, अबाउट द मीन के लिए सेम ही क्वेश्चन बन गया, किसी को दिक्कत है इसमें? इसमें फर्क क्या है, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, तो पहले क्लास मार्क निकाल लेंगे, 10 + 20/2, 20 + 30/2, बाकी कहानी सब कुछ सेम, कुछ नया नहीं है, कर लेंगे, आसान आसान है बच्चा, सब हर कोई अटेम्प्ट कर लेना, और उसके बाद भी डाउट आएंगे तो मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन समझ में आ गया सबको, स्टैंडर्ड डेविएशन का सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, लिखते चलेंगे बच्चे फॉर्मूला, 1/n वेयर n रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया, जो हमारे पास डेविएशन की वैल्यू आ रही थी अब उसका स्क्वायर करना है पहले, और फिर नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना है, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसका कर दिया स्क्वायर रूट, एन नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा सिग्मा ऑफ एफ आई, क्लियर है। तो यहां पर अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो इसी को, स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं कैसे लिखूंगा, देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा इज इक्वल टू 1/n, कैपिटल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा ऑफ एफ आई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आएगा कैपिटल n, सिग्मा ऑफ आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, देन कैपिटल n क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई। किसी को इसमें दिक्कत, सीधे सीधे फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगी, और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देता हूं तो उस टर्म को कहते हैं बच्चा वेरिएंस। मैं क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो जो हमारे पास टर्म आएगी उसका स्क्वायर करके जो मिलता है उसको कहते हैं वेरियंस, जिसका फॉर्मूला 1/n सिग्मा ऑफ आई गोज टू 1 to n एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो सीधा सीधा क्या किया, स्क्वायर रूट हटा दिया बस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। कहां पे बेटा, एन है ना, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर हटा दो यहां से स्क्वायर रूट, ये लो ये हटा दिया और यहां स्क्वायर कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया, क्लियर है ये। किसी बच्चे को दिक्कत इसमें, ठीक है ना। अब अपने पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो भी क्या है, कहानी तो सेम ही चलनी है। कॉन्टिन्यूअस को अपने को आता है यूज करना, किस तरीके से करते हैं, सिग्मा ऑफ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/n आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, सेम कहानी बिल्कुल। इसी का एक और फॉर्मूला आता है, देखो ये 1/n n टाइम्स सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है बच्चा, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर इस फॉर्मूला को याद करके डायरेक्ट वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है।
कहानी कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर एन हमने बाहर रख लिया, एक तरह से एन तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले टाइप में हो गया, तो उससे हुआ, कुछ अलग नहीं है, इसी के अंदर एन मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह हमने लिया, तब करके ये वैल्यू आती है। तो ये बना क्या है, जैसे सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। बेटा देखो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, हमारे पास एक तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक ये और एक ये, बात खत्म, ठीक है, फॉर्मूला के टर्म में याद रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, अगर जो तुम्हें ये वैल्यू डालनी है ये डाल दो, ये वैल्यू डालनी है इसके, इसको सॉल्व कर दो, दोनों वैलिड है, ठीक है, ये क्वेश्चंस करते हुए तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ बेटर कौन सा, प्रैक्टिस के साथ डाउट्स पूछोगे तब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्या है, फॉर्मूला शीट बनाओ अपना, उसके अंदर ये फॉर्मूला लिख लो, वेरियंस करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा, है ना, जो वैल्यू थी बस उसका स्क्वायर रूट हटा दिया तो हमारे पास वेरियंस की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है बच्चा, किसी को परेशानी इसमें? इसी के बेसिस पे ये हमारे पास देखो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जहां पे ये डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस हो गया इस बारी। तो ये देखो ये जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है सारा, क्लास क्या गिवन है 30 to 40, 40 to 50, 50 60, 60 70 and up to 90, 100, और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, 30-40 का सम, 40-50 का सम बाय 2 निकालना आता है सबको, ये वाली वैल्यूज किसी के लिए नई नहीं है, सेम 10th क्लास वाला ही पार्ट है। क्या करेंगे अब, मिड पॉइंट निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक्स आई माइनस 65/10 यही करते हैं, जो हमारे पास ये जो बीच की वैल्यू होती है इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उससे डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, है ना, ये स्टेप डिविएशन में करते थे। अब जब मुझे फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड डिविएशन का या वेरियंस का, तो देखो तुम्हें ये पता है कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टेप डिविएशन मेथड जो लगाते थे या अज्यूम मीन मेथड लगाते थे उसका फॉर्मूला बनता कैसे था, याद है किसी को? देखो मैं एक बार 10th वाले लेवल पे लेके जा रहा हूं, ताकि तुम इसमें जो अलग कहीं अगर क्वेश्चन में कुछ कर दिया जाता है, जैसे एच का भी इंट्रोडक्शन हमने दिया भी नहीं था कहीं, लेकिन एकदम से एच यूज कैसे किया, तो कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं होती थी। तुम्हें याद है स्टेप डिविएशन का एक फॉर्मूला होता था, कुछ क्या था, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई होता था, चलो डी लिख लो, डी आई लिख लो, यू आई लिख लो, बात तो सेम ही है वो, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो यू आई लिख लो, और फिर क्या होता था इंटू एच करते थे, ऐसा था ये। एक्चुअली फॉर्मूला बनता कहां से था, एक बार अपने दिमाग में सारी स्टेप्स रिकॉल करना, हम क्या करते थे, हमारे पास एक्स आई आता था, हमारे पास एफ आई आता था, अब हम क्या करते थे, हम कहते थे भाई एफ एक्स आई की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, छोटी करनी है कैलकुलेशन, तो इसमें से ए को माइनस कर दो, करते थे कि नहीं, अगर मैं हर वैल्यू में से ए को माइनस करके मीन निकालूंगा तो ए तो कम नहीं रह जाएगा मीन में से, उसको प्लस कर दो, समझ रहे हो, जो जो हम यहां स्टेप करते थे उसको वापस से लाने के लिए ये स्टेप्स होती थी, हम क्या करते थे फिर निकालने के लिए, ये वैल्यूज निकल गई अभी भी वैल्यू बड़ी है तो इसको एच से डिवाइड करते थे कि नहीं, तो ये यू आई निकलता था, और ये जो यू आई निकलता था हम एच से डिवाइड करके करते थे, उसको मल्टीप्लाई कर दो वापस, तो जो हम कैलकुलेशंस करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे उसकी वापस से मेन वैल्यू पे पहुंचने के लिए उसी वैल्यू को जिससे डिवाइड किया था हर वैल्यू को उसको फाइनल रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दो, सेम बात आएगी कि नहीं, है ना, जो चीज हमने माइनस करी थी हर वैल्यू के लिए उसको फाइनल रिजल्ट में प्लस कर दो, सेम बात आएगी कि नहीं। तो अगर मुझे कहीं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हुए किसी स्टेप में एच से डिवाइड करना पड़ जाए कि भाई कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो कुछ नहीं करना, जहां पे सिग्मा वाली टर्म आएगी उसके साथ एच को मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रही है? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास फॉर्मूला जो है वेरियंस का, क्या देखो मीन का फॉर्मूला ए प्लस एफ आई एफ आई वाई आई बाई 15 टू एच, ये तो सीधा 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 10th वाला ही फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा है, कोई इसको यू आई बोल रहा था डी आई बोल रहा था, वो तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तुम किस टर्म से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, यहाँ वाई आई से रिप्रेजेंट किया। सिग्मा स्क्वायर वेरियंस का फॉर्मूला एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा है उसमें कहीं भी एच नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए, अगर कैलकुलेशंस छोटी करने के लिए एच की वैल्यू से डिवाइड करना है तो हमें एच की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो यहां पे ये जो फॉर्मूला बनता है यहां पर एच मल्टीप्लाई होगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाता है,
समझ में आई ये बात, ये कि h कहां से आया। तो ये कोई फॉर्मूला अलग नहीं बना है, सिंस हमने सॉल्व करते हुए h की वैल्यू से डिवाइड किया था तो उसको फाइनलाइज कर, फाइनल आंसर में निकालते हुए h वापस भी तो लाना है, तो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई है? तो इन फॉर्मूलाज को देख के घबराना मत कि नहीं नहीं h तो था नहीं, h का लॉजिक समझ में आ रहा है ना। होता क्या, यहां पर कैलकुलेशन छोटी करनी है क्योंकि मेरे पास अभी भी जो xi की वैल्यूज आ रही है वो 30, 40, 35 के साथ कर करके, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया है ना। हर किसी को माइनस करने के बाद जो वैल्यू है 10 से डिवाइड किया, कैलकुलेशन आसान होगी। अब फ्रीक्वेंसीज के साथ ऐड करना ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ जी, अज्यूम नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अगर जो अज्यूम लेंगे तुम कुछ ऊटपटांग वैल्यू ले लोगे तो कैलकुलेशन डेसिमल्स में चली जाएंगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो है ना, क्लास इंटरवल, तो बेस क्लास साइज हो गया वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज से डिवाइड करेंगे तो हम बिना डेसिमल्स की वैल्यू पे पहुंचेंगे तो कैलकुलेशन आसान होंगे। समझ में आई ये बात, क्लियर है? बाकी डायरेक्ट फॉर्मुला में वैल्यूज डालने वाला पार्ट रह गया। जो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी FIYI का स्क्वायर, FIYI ये वैल्यूज निकालते जाते हैं, पहले yi के स्क्वायर की जरूरत थी तो हमने स्क्वायर कर लिया सबका, करा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं निकल जाएंगी ये वैल्यूज, सबका सम करा h स्क्वायर बाय n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमारे पास आ जाती है, पता चला है। बच्चे हमने क्वेश्चंस नहीं करे हैं लेकिन जो स्टैट्स के अंदर जो फॉर्मूलाज थे, जो टाइप थी, वो सारी यहां खत्म हो जाती है। इसके अलावा सिर्फ जो और टर्म्स होती थी वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होती थी, ये सीवी वाली टर्म्स, ये अब सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, लास्ट पुरानी बुक्स के अंदर सिर्फ होंगे, नई बुक्स में ये वैल्यू है भी नहीं एक्सरसाइज। इसी के साथ अपना पूरा स्टार्ट चैप्टर खत्म हो जाता है ओवरव्यू के टाइप में, होगा कब, जब एक एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में लगातार बैठ के इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर डाउट्स के साथ मिलते हैं, ठीक है।